हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं मुजफ्फरपुर और मैं इसका रीडेवलपमेंट दिखाऊंगा। देखिए लोगों की भी ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 है 7 है 6 है, तीन प्लेटफॉर्म सीक्वेंस में, फिर 6 के बाद 1 से स्टार्ट होता है। और यहाँ लगभग 400 करोड़ से ये स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, जो कि अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत होता है। और ये वाला एरिया इससे पहले आया था तो डेवलपमेंट हो रहा था। चलिए दिखाऊंगा, आज मैं एंटी लाइट आया हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा अच्छे से दिखाने का, सब कुछ बताने का। यहाँ पर निर्माण चल रहा था पिलर का, जो कि यहाँ पर हो चुका है और आगे चल रहा है, क्योंकि यहाँ बनेगा एक ब्रिज, एक रैंप गिरेगा यहाँ पे और एक स्लोपिंग बनेगा, मतलब गाड़ी लोग, ये एक तरीके से पटना के एयरपोर्ट के तरीके पर बनेगा कि लोग आएंगे पिकअप या ड्रॉप करेंगे, फिर वो चले जाएंगे। और देख सकते हैं लाइन से कई सारी मशीनें और कई सारे ड्रिल मशीनें लगी हुई हैं। यही सीढ़ी के अगल बगल टिकट काउंटर है, पहले टिकट काउंटर आगे हुआ करता था, लेकिन अब टिकट काउंटर यहाँ पर आ गया है। देखिए आप, चलिए उस तरफ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है और रामकृपाल कंस्ट्रक्शन इसका काम कर रही है, स्टेशन को बना रही है। ये सब जो देख रहे हैं सब पुराना वाला था, तो वो सब अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन पहले का वीडियो मारेगा अगर मुजफ्फरपुर जंक्शन का, तो मेरा वीडियो आएगा, वो आपको उसमें आपको ये सब लुक दिखेगा जो पुराना है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 कहूँ या प्लेटफॉर्म नंबर 8, आप इस साइड निकलिएगा तो आपको सारी चीज़ें, खाने पीने की सुविधा, गाड़ी, बैरिया, बस स्टैंड के लिए, हर जगह के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बहुत जल्द पिलर बाहर निकलेगा। देखिए कई सारी मशीनें लगी हुई हैं और फार्मा वगैरह, देखिए आप, ये पहले भी बड़ा खूबसूरत था। तो क्या एग्ज़िट होगा, क्या एंट्री होगा, अब तो नए तरीके से बन रहा है, तो नया कुछ होगा तो मैं दिखाऊंगा ही, पुराना वाला सब तोड़ दिया गया है। और नए तरीके से ये एक मशीन, इसका एक जो टिकट काउंटर है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 साइड है, बड़ा ही खूबसूरत बना है। अभी प्रेजेंट में मुजफ्फरपुर जंक्शन जहाँ लिखा हुआ है यही एंट्री है, या फिर पीछे से है। और यहाँ पर जो मशीनें लगी हुई, देखिए आप, इस तरफ से भी एंट्री था तो शायद ये क्लोज़ हो गया है। चलिए पार्किंग में, तो इस तरफ से मैं चलूँगा अंदर और दिखाऊँगा। यहाँ पर ये एक FOB है, जो तो ये FOB की सफाई देखिए आप, कितना चकाचक है। और मैं दिखा रहा था उस तरफ कि जो वाला बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ढलैया का काम चल रहा है, लेकिन अगले महीने शायद आऊँगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आप कि काम ढलैया हो चुका है, आगे का काम स्टार्ट है। और इस तरफ भी यहाँ पर सोलर पैनल है पूरे में लगा हुआ, और इस तरफ भी काम देख सकते हैं आप, जोरों शोरों से स्टार्ट है। जैसे जैसे बनता रहेगा मैं कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा। और निर्माण चल रहा है 5 नंबर साइड, और इस पर गाड़ियाँ जो हैं, यानी 6, 7, 8, ये 6 है, ये 7 है, इस तरफ 8 है, तो सीतामढ़ी साइड ज़्यादातर गाड़ियाँ जाती आती हैं, हाजीपुर कटती है, यहाँ से हाजीपुर कटती है, यही सीधा रूट हाजीपुर है, और इस तरफ समस्तीपुर है। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ बाहर की ओर, और लोगों की भीड़ यहाँ एक अलग ही वेव है, देखिए आप कितनी सारी लोगों की भीड़। और प्लेटफॉर्म पर यहाँ देखिए आप कि केबल का अच्छा ख्याल रखा गया, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया गया लोगों के द्वारा, थुक थुक के, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। प्रेजेंट में यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है, ये 4 के बगल में 5 है जिस पर ट्रेन लगी हुई है, और 3 मैं बताया आपको कि उस साइड है। और जो निर्माण है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड चल रहा है और 5 साइड चल रहा है, 8 साइड हो गया है, थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ है। तो एक FOB थी जो इस तरफ से उस तरफ को कनेक्ट करती थी, तो अब वो भी क्लोज़ हो चुका है। ये रेड वाला जो देख रहे हैं आप इसके पीछे में, उसे क्लोज़ कर दिया गया है। और इस तरफ निर्माण चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी निर्माण चल रहा है, क्रेन देख सकते हैं आप, JCB से काम किया जा रहा है, वहाँ पर एक ड्रिल मशीन भी है। सबसे खूबसूरत है वो ये वाला, देखिए आप, जो नया बनकर टिकट काउंटर, यहाँ पर एस्केलेटर लगाने का काम चल रहा है। और ये एक स्लोप नुमा FOB है, और स्टेयर वाला उस तरफ है, तो मैं स्टेयर से उतरूँगा, इससे बहुत टाइम लगता है। और ये वाला निर्माण चल रहा है, तो चलिए कुछ बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मुजफ्फरपुर का मानचित्र है, जहाँ से आप जा सकते हैं। वैशाली 35 किलोमीटर है, जुब्बा सहनी पार्क 2.5 किलोमीटर है, और कुछ जगहों पे है, आप आएँ तो यहाँ देखें। ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म साइड है, ये नया वाला टिकट काउंटर है, अभी एस्केलेटर का काम चल रहा है, और ये FOB रेडी हो चुका है। ये बड़ा ही खूबसूरत और शानदार है, और यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, देखिए आप, और एक बुकिंग एवं पूछताछ केंद्र है। और अभी पार्किंग कुछ ऐसा है, फिर पीछे बनेगा तो और भी बेहतर हो जाएगा, जो निर्माण अभी हुआ वो इसी साइड है। चलिए अब जो आगे का निर्माण चल रहा है वो दिखाता हूँ। ये सब हटेगा, जितने भी आप तार का जाल देख रहे हैं, तब एकदम बराबर एक समतल कर करके और इस तरीके से बनाया जाएगा, मतलब मशीनों का मूवमेंट पूरा है। 400 करोड़ से प्लस का ये है। और नया वाला जो टिकट काउंटर है वो तो है ही, वहाँ पे LED लाइट भी लग चुका है, LED डिस्प्ले स्क्रीन भी लग चुका है, तो यहाँ पे भी काम स्टार्ट हो चुका है। पानी वगैरह अभी जाम है तो सफाई हो रही है। फिर ये सब जितना देख रहे हैं कबाड़,
सब हटाया जाएगा। इसी तरीके से गया जंक्शन का भी डेवलपमेंट बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो दूर से देखिए आप, पीछे में तोड़फोड़ हो रहा है। देखिए इस तरीके से तोड़फोड़ चल रहा है, एकदम धूल धक्कड़ उड़ रहा है। और यहाँ पर सरिया को फार्मा जैसा सरिया बनेगा वैसा ये इससे बनाया जाता है, मोड़ा उड़ा जाता है। तो ये पैलिंग का ही काम हुआ है दोनों साइड में, जहाँ तक हमें देखने को लग रहा है। इससे पहले यही रास्ता था, जो लोग इस तरफ से उस तरफ जाते थे सामने वाला सीढ़ी था। तो किसी तरह कोई आ गया है पार होकर के, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे काम चल रहा है, देखिए आप। देखिए अभी भी पूरा तोड़ा जाएगा, जिस तरीके से सब तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर आप मशीन देख सकते हैं, मशीन का आवाज़ सुन सकते हैं। पाइलिंग का काम हुआ था, हो सकता है कि पाइल को तोड़ करके फिर पिलर खड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा फर्मा ला करके रखा हुआ है सरिया का। तो काफ़ी मिट्टी वगैरह है ना, तो चलता है, लेकिन मैं नज़दीक चल करके नहीं, दूर से ही दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर वर्कशॉप भी हो, जहाँ पर गाड़ियों का रिपेयरिंग होता है। तो देख अभी तोड़फोड़ हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे काम आगे चलेगा तो मैं कंटिन्यू दिखाता ही रहूँगा। यही तक का निर्माण है चारों ओर में। यहाँ जो पायल हो रहा था तो पिलर निकल चुका है, यहाँ पर भी कुछ बनेगा, तो शायद ये यहाँ पर गार्ड्स वगैरह के लिए बनेगा कुछ भी। जैसे जैसे होगा मैं कंटिन्यू दिखाता रहूँगा, क्योंकि अब उस तरफ फिर से ले चलता हूँ। और हवा में गर्मी इतनी है कि एकदम बदन को चूस ले रहा है। तो मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, हर अमृत भारत स्टेशन को, जो भी बड़े स्टेशन है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, गया है, और दिखा ही रहा हूँ कंटिन्यू। जैसे जैसे कुछ काम चलेगा, बदलाव होगा। जुड़े रहिए आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ नए नए अपडेट पाने के लिए, और जो वर्क चल रहा है उसका वर्क स्टेटस पाने के लिए। 5 नंबर प्लेटफार्म के पीछे साइड भी निर्माण चल रहा है, देखिए वहाँ पर भी जेसीबी से काम हो रहा है। मतलब इसके चारों ओर काम हो रहा है। 8 नंबर तो दिखाया, अभी मैं कोशिश करूँगा उसके पीछे चलकर दिखाने का। और प्लेटफार्म पे ऐसा किसी तरह का निर्माण नहीं हो रहा है, जैसे कि सेट लगाना हो, नए तरीके से हाइट पे करना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी हाइट पे है, इसे पहले से बनाया जा चुका है। और जो भी निर्माण अभी प्रेजेंट में बाहर है, फिर FOB का काम चलेगा। तो जैसे जैसे होता रहेगा दिखाता रहूँगा। चलिए और भी कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, 1 नंबर का सेट पुराना है, बाकी सब सेट नया है, आप देख सकते हैं। ये बाहर का लुक है, जहाँ आपका खाने पीने की सुविधा मिल रही। और इस साइड फिर से काम मैं दिखा दूँ कि देखिए काम चल रहा है। लेकिन हवा जो है ना, आज वीडियो की, मेरी वीडियो की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, लेकिन क्या कीजिएगा। पटना से मैं आता हूँ अपडेट देने के लिए, तो किसी भी हाल में तो अपडेट देना है ना, इसीलिए अब तो जो है नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा बढ़िया से अपडेट देने का। कुछ उस तरफ भी चलता हूँ, शायद कुछ बेहतर देखने को मिले। और ये मैं FOB को ऊपर से दिखा रहा हूँ, कि जहाँ निर्माण चल रहा है मुजफ्फरपुर जंक्शन का, देखिए आप। तो बहुत कुछ यहाँ पर बदलाव हो रहा है और होगा, और मैं कंटिन्यू दिखाता ही रहूँगा। और बाहर का फिर से लुक दिखा दूँ, देखिए आप। खाने पीने की सुविधा ये सब जगहों पर आपको मिल जाएगी आराम से। ये गेट नंबर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा है, और फ्यूचर में कुछ और ही होगा इसका लुक। इस हिसाब से इसका ढलैया हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि ये भी इस साइड पार्किंग का होगा भाग। और ये वाला एक फिर बिल्डिंग होगा, वो तो एक बिल्डिंग हो गई, 2 बिल्डिंग हो जाएगा, और यहाँ पर पार्किंग होगा बीच में। और ये बिल्डिंग पीछे से कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन इस तरफ काफ़ी कचरा है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। कुछ दुकानें भी सजी हुई है और बैरिकेटिंग भी की हुई है, लेकिन जैसे ही ये चालू होगा तो मैं दिखाऊँगा। अभी तो धूप भी सामने पड़ रहा है, लेकिन काम बहुत हद तक हो चुका है इसका। और ये सब रोड पहले नाला हुआ करता था, सब ढलैया कर दिया गया है, एक बेहतर रोड बना दिया गया है। अभी धीरे धीरे और काम इसका लगेगा ही, चलेगा ही। और ये सब जो भी देख रहे हैं टूट करके, एक नए सिरे से नया बनेगा। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स। Oh, 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 oh